औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज आपके लिए एक बहुत ही मुजरब अमल लेकर आया हूँ, एक ऐसा मुजरब अमल जो सिर्फ एक दिन की मेहनत है, सिर्फ आधे से पौने घंटे की मेहनत या ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे की मेहनत। ये अमल आप दुनिया के किसी भी काम जो जायज़ हो उसके लिए कर सकते हैं, किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। मसलन आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपके बहन भाइयों की शादी नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा, रिज़्क में बरकत नहीं है, कारोबार में रिकावटें बहुत हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वीज़ा नहीं मिलता, कोई ना कोई मसला बन रहा है, औलाद नहीं है, डॉक्टरी इलाज भी करवा चुके हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं लेकिन औलाद नहीं है, अल्लाह की तरफ से देर है, उस हाजत के लिए भी कर सकते हैं, मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। अगर आपको मोहब्बत में नाकामी हो रही है, मोहब्बत नहीं मिल रही, कोई भी रीज़न है उसकी, लेकिन जायज़ मोहब्बत है तो उसके लिए कर सकते हैं। पुलिस अदालत कोई भी केस है आपके साथ, पुलिस का चल रहा है या अदालत में केस जा चुका है, उस केस में जीतने के लिए, उस केस को फतह करने के लिए भी ये अमल बहुत ही मजरब है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा या मैं नहीं कह पा रहा या मैं नहीं कह आपको समझ आ रही या मेरे वीडियो छोटी होने की वजह से नहीं बता सकता, तो आप किसी भी जायज़ हाजत के लिए इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन का अमल है, इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आँखों से देखेंगे कैसे आपकी हाजत पूरी हो रही है। इस अमल को आप बारहा भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हमेशा कामयाबी मिलेगी, बहुत ही मजरब अमल है। तो सबसे पहले जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लें। इससे ये होगा कि जो भी मेरी YouTube पर वीडियो ऑलरेडी हैं, चाहे वो नक्श हैं, चाहे वो अमलियात हैं, चाहे वो वज़ाइफ हैं, सबकी इजाज़त है, जायज़ मकसद के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है WhatsApp से। और जो भी मेरी नई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, आप वो देख सकते हैं, आपको भी आइडिया रहेगा कि कौन सी नई वीडियो आई है। सबसे पहले एक छोटी सी बात, जो मेरे बहन भाई व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, अगर कोई काम होता है, कोई नक्श बनवाना है, कोई अमल करवाना होता है या अमल करना होता है, अमल के साथ लेना होता है अमल को, तो रब्ता किया करें। वज़ाइफ यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं, आपको इजाज़त दे चुका हूँ सबको, जो वज़ाइफ हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पर डालता जा रहा हूँ, आप देख के थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, ढूँढ लिया करें। वजीफ़ा ये है कि दिन में किसी भी टाइम ये करें, सिर्फ ऐसे टाइम जो जिनमें नवाफल आप अदा नहीं कर सकते उस टाइम में नहीं करना। तो आपने चार नफल अदा करने हैं, दो दो करके। कैसे करने हैं? सबसे पहले सूरह फातिहा नफल नियत करके हाजत की, के दो रकत नफल हाजत अदा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। सूरह फातिहा के बाद आपने पहली रकत में 51 बार सूरह इखलास पढ़नी है, उसके बाद दूसरी रकत में 41 टाइम 41 बार सूरह इखलास पढ़नी है, और सजदे में जाएं उसके बाद अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर लें। उसके बाद दो रकत नफल और अदा करने हैं, उसमें सूरह फातिहा के बाद 31 बार सूरह इखलास पहले पढ़ें, दूसरी रकत में 21 बार सूरह इखलास पढ़ के सच्चे दिल से नियत रख के पढ़ें, और जो नफल अदा करते हैं वो नियत करके पढ़ें। तो सलाम फेरने के बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ें 100 बार दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद 100 बार या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या मुसब्बिब अलअसबाब पढ़कर सजदे में जाके अपनी हाजत अल्लाह के सामने बयान करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। मजरब है, दुआओं में याद रखिएगा।